हेलो दोस्तों, मैं हूं परवेश खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परवेश टेक्निकल। दोस्तों आज बात करेंगे कि फेसबुक ने जो अपना नया फीचर लाया है जिसे रूम्स के नाम से जानते हैं, उसमें बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमारा जूम आया था, जियो ने मीट ऐप लॉन्च कर दिया, जिससे मीटिंग हो, कॉन्फ्रेंस हो या फिर कोई आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, सेम उसी तरह मार्क जुकरबर्ग ने भी अपने फेसबुक में एक नया फीचर अपडेट किया है जिसे हम रूम्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा भी कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम यहाँ पर शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम अपने मैसेंजर को अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद जो नया फीचर आएगा उसमें रूम्स वो हमें इजीली दिख जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम फेसबुक को लॉगिन करेंगे। फेसबुक लॉग ओपन करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमको एक क्रिएट रूम और रूम का ऑप्शंस मिलेगा। यहाँ पे हम रूम को क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमें तीन ऑप्शंस मिलेगा। तीन ऑप्शंस में से सबसे पहले हम ऊपर का ऑप्शन चुनेंगे। यहाँ पे बहुत सारे यूज़र इंटरफेस दिए हुए हैं जिसमें से आपको जो चूज़ करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा ज्वाइन का, क्योंकि मैं अगर इंटरफेस कर रहा हूँ कुछ लोगों को, मीटिंग्स के लिए ज्वाइन करा रहा हूँ या कॉन्फ्रेंस के लिए ज्वाइन करा रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे ज्वाइन का बटन चूज़ करना होगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कि आप किसे ज्वाइन करते हैं, किसे इनवाइट कर रहे हैं, फ्रेंड्स है या स्पेसिफिक पीपल है। स्पेसिफिक पीपल में दोस्तों आप उन्हीं को इनवाइट कर सकते हैं जिन्हें आप अपने मन मुताबिक रख सकते हैं। मोटा मोटी बात कहें तो मतलब खुद के मनचाहा दोस्तों को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं चार लोगों को इनवाइट करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे चार लोगों को इनवाइट किया है, सेम आप भी वैसे ही प्रोसेस यूज़ करेंगे। फोर लोगों को इनवाइट करने के बाद यहाँ पे हम इनको सेव कर देंगे। सेव होने के बाद फिर हम इस पर स्टार्ट टाइम होगा। स्टार्ट टाइम में मैं किस डेट में करूँगा, किस टाइम पे करूँगा, बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। ये इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर सुविधा दी गई है दोस्तों, कि लोगों को इजली पता चल जाए कि हमें कब मीटिंग करना है और कितने डेट में करना है और कितने एग्जैक्ट टाइम पे करनी है, ये चीज़ पता चल जाएगी। रूम क्रिएट होने के बाद हम डेट और टाइम को सेव कर देंगे। डेट और टाइम सेव करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से प्रोफाइल में जाना होगा। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको वहाँ पर शो होगा कि ज्वाइन कैसे करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। ज्वाइन करने के बाद एक आप मैसेज छोड़ सकते हैं कि बहुत सारे लोग, जैसे अगर आप ज्वाइन हो रहे हैं तो वहाँ पे लोगों के लिए पोस्ट के ज़रिए भी आप इनको एक मैसेज दे सकते हैं कि आप उनका जो हो कॉन्फ्रेंस या मीटिंग हो या ऑनलाइन क्लासेज हो, आप ज्वाइन इतने बजे इतने समय में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे आप मेरी प्रोफाइल के पास देख सकते हैं कि परवेज लिखा हुआ है और ज्वाइन लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इनवाइट, शेयर, एडिट एंड एंड रूम का ऑप्शंस आएगा। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिखाई देंगे। वहाँ पे कॉपी लिंक का भी एक ऑप्शन दिखाई देगा। कॉपी लिंक आप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जिससे बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे। अगर आप किसी को पर्सनली ज्वाइन कराना चाहते हैं तो फिर से वहाँ पर इन्वाइट पर क्लिक करेंगे। इन्वाइट पर क्लिक कराने के बाद आप जिसको लिंक सेंड करना चाहते हैं लिंक सेंड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया है। एडिट में जाके आप फिर से एडिट करके वहाँ पे अगर जिन लोगों को पहले से इनवाइट किया है वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर अदर्स पर्सन को भी आप, मोटा मोटी बात यह है कि अदर पर्सन को भी आप चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद अगर आप वहाँ पर रूम का एंड ऑप्शन आया था, वहाँ पर रूम को एंड भी कर सकते हैं। रूम एंड का ऑप्शन इसलिए दिया गया था कि अगर आप चार लोग बात कर रहे हैं और आप वहां से पर्सनली निकलना चाहते हैं तो आप वहां से रूम एंड का ऑप्शन प्रेस करके निकल सकते हैं। ये थी फेसबुक की मोटा मोटी बात। जो फेसबुक रूम्स था जिसमें आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप दोस्तों के साथ चार लोगों दोस्तों के साथ बात भी कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर सकते हैं, आप लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ मिलेगा जेन्युइन कंटेंट और सही जानकारी। अगर आपको किसी बात पे अगर सवाल पूछना है या कोई बात भी पूछनी है मुझसे, कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्टेंट के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद आपका।